नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको चना दाल और उड़द दाल का पिट्ठा बनाकर दिखाऊंगी। दिवाली में हमारे यहाँ यही बनता है, तो मैं यूपी का पिट्ठा बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। अब वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए, चना 3 से 4 घंटा मैंने फुला लिया है। ये उड़द का दाल है, इसमें मैं गोलमरीच, जीरा और ये हींग, इस सबको डाल दूंगी, अब पीस लूंगी। ये सारे मसाले को भी मैं इसमें पीस लूंगी। ये देखिए, हींग है, इसको भी मैं डाल दूंगी, इसको भी इसमें पीस लेना है। इसी तरीके से मैं सारे दाल को बारीक पेस्ट बना लूंगी। देखिए फ्रेंड, मैं सारे दाल को पीस कर आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, दाल पूरा पीस चुका है। अब मैं आटा गूंथ कर दिखा रही हूँ आपको। चावल का आटा, ये चावल का आटा है। मैंने गरम पानी कर लिया, इसमें नमक डाला है। आटा देखिए गूंथ चुका है, एकदम सॉफ्ट गूंथा है। अब इसके मैं पेड़े बना लूंगी। हाथ पे इसे पानी लगा लेना है। इस तरीके से पतली पतली रोटियां इस तरीके से बना लेना है। देखिए मैंने रोटियां बना ली है। देखिए फ्रेंड, दाल है, जितना आपको लगाना है उतना में ही नमक हम डालेंगे, ताकि नमक डालने से दाल पसीजने लगता है। इस तरीके से दाल में थोड़ा सा नमक मिलाकर फेंट लेंगे। इस तरीके से इसको दबा लेना है। मैं इसी तरीके से सारे पिट्ठे को बना लूंगी। देखिए फ्रेंड, सारा पिट्ठा बनकर तैयार हो चुका है। मैंने सभी मसाले को भर लिया है। आइए अब चूल्हा पर बैठाते हैं। देखिए मैंने कढ़ाई बिठा दिया, उसमें पानी मैंने 1.5 लीटर डाल दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। सारे पिट्ठे को इसमें डाल देना है। इसको ढककर धीमी आंच पर 15 से 20-25 मिनट तक पकाना है।
बीच बीच में से इसे हल्के हाथों से ऐसे ऐसे चला देना है फ्रेंड, ताकि ये चिपके नहीं, और देखते रहना है, उलट पलट कर देना है। इसको सीखने में कम से कम 20 मिनट का समय लेता है। इसको उलट पलट कर चला लेना है ताकि ऊपर नीचे दोनों तरफ पक जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी। यूपी स्टाइल गोईठा इसको बोलते हैं यूपी में, हमारे यहाँ दीपावली में यही बनाया जाता है। आपके यहाँ क्या बनता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड 10 मिनट हो गया है, मैं इसे पलट ले रही हूँ ताकि दूसरे तरफ से भी पक जाए। फिर मैं इसे 10 मिनट ढककर और पकाऊंगी धीमे आंच पर। देखिए फ्रेंड ये पीठा बनकर तैयार हो चुका है, मैं इसे एक एक कर कर निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड ये पीठा बनकर तैयार हो चुका है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मेरे फेसबुक पेज पर जुड़े हो तो वहाँ भी मुझे फॉलो करें। यह है दाल का पीठा, मेरी यूपी में दीपावली में यही बनाया जाता है, और इसके साथ सूरन का सब्ज़ी बनता है, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी।